भागलपुर में घोषित हुए 3 साल हो गए, लेकिन अब तक स्मार्ट सिटी धरातल पर नहीं दिख रहा, ऐसा कारण क्या है? देखिए, ऐसे तो 3 साल नहीं, आप इसको 5 साल मानिए, क्योंकि पिछले टर्म में जब एनडीए की सरकार थी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने सेकेंड टर्म में ही, मतलब सेकेंड राउंड में ही भागलपुर को चयनित कर दिया था, तो वो सारा अगर हम लोग जोड़ते हैं तो वो 4 साल से ऊपर हो गया है। और 4-5 साल में अगर 4 कदम भी स्मार्ट सिटी नहीं चल पाई है, तो इसका एकमात्र कारण है जो यहां के जिम्मेदार नेता हुए या पूर्व नेता रहे या जिम्मेदार पदाधिकारी रहे, उनकी मंशा नहीं थी। और कुछ आपसी मतभेद कि अगर ये ऐसे बन जाता है तो उसके नाम को फायदा मिलेगा या उस नेता जी को फायदा मिल जाएगा या उसको, वो सब भी रहा, कुछ भ्रष्टाचार भी रहा। और कुछ यहां के जो मेन जो कारण है वो सारा का सारा है, भागलपुर के लोग जिम्मेदार हैं। जब अपनी हक के लिए आप नहीं चिल्ला रहे हैं, अपनी हक की आवाज को आप नहीं मांग रहे हैं, तो देने वाला आपके हक को ट्रांसफर कर रहा है, दूसरी जगह ले जा रहा है और दूसरी जगह खर्च कर रहा है या नहीं खर्च कर रहा है, क्योंकि वे जानते हैं कि आप कुछ नहीं मांगने वाले हैं। ऐसे में केंद्र सरकार का सपना क्या साकार होने की उम्मीद है? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने हवाई अड्डे पे भागलपुर की लाखों जनता के सामने यहां की बेहतरी के लिए वादा किया था, वचन दिया था, और उस वचन को निभाने के लिए उन्होंने स्मार्ट सिटी दी। लेकिन प्रधानमंत्री जी को यह नहीं मालूम है कि उनके वचन को निभाने की जिम्मेदारी जिस कंधे पे है वो कंधे जिम्मेदार नहीं है। और इससे भविष्य में प्रधानमंत्री जी को ये बात का जवाब देना पड़ सकता है कि ऐसे अन्याय भागलपुर के अलावा कहां कहां हुए, क्यों क्यों हुए, और उससे उनकी छवि को भविष्य में दिक्कत हो जाएगी। भागलपुर नगर निगम के कामों से आप कितना संतुष्ट है? नगर निगम के काम जो है, जब दीपू भुआनिया जी मेयर थे, वो जो काम हुआ उससे इस टर्म में काम कुछ कम हो रहे हैं, जो भी कारण हो, या तो बार बार ये कि प्रशासन और पार्षद और लोगों में आपसी समंजस नहीं बैठा, या फिर उन लोगों की आपसी रंजिशें, इस कारण से इस टर्म में काम तो बहुत कम हो रहा है। जितना होना चाहिए, जितना सरकार फंड दे रही है, बिहार सरकार जितना चाहती है भागलपुर में काम करने के लिए, जितनी स्वतंत्रता दे रखी है, उसके अनुपात में तो शून्य है। लेकिन अब क्या कीजिएगा, बात है कि जब कोई चीज स्थिर होगी तब उसका फायदा मिलेगा। दीपू भुआनिया जी में ये एक खासियत थी कि उन्होंने 5 साल स्वतंत्रता से कोई भी विरोध नहीं होने दिया और नगर निगम और नगर निगम के प्रशासक का तालमेल से शहर में विकास करवाया। अभी क्या हो रहा है कि प्रशासनिक अधिकारी से जो तालमेल कम बैठा पा रहे हैं पार्षद महोदय लोग या जो भी जिम्मेदार लोग हैं, उसका ये कारण है कि काम नहीं हो पा रहा है। आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम लालू शर्मा है, मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूं, शारदा भारती का मैं संयोजक हूं और मैं एक सामान्य भागलपुर का नागरिक हूं। धन्यवाद।